बिहार विधानमंडल मॉनसून सत्र के आज 14वें दिन भी विधान परिषद पोर्टिको में विपक्ष का हंगामा जो है वो जारी है। मांग उनकी वही पुरानी है, जिस तरह से बाढ़ में स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, उसको लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। तस्वीरें देखिए आप किस तरह से प्रेमचंद्र मिश्रा, रामचंद्र पूर्वे, राबड़ी देवी सहित कई लोग जो हैं विपक्ष के, वो हंगामा कर रहे हैं, नीतीश सरकार से जवाब मांग रहे हैं। स्थिति जो बाढ़ को लेकर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है उसको लेकर वो हंगामा कर रहे हैं, क्या कुछ कह रही हैं राबड़ी देवी, आप सुने। भयानक बाढ़ आया है बिहार में, 12-13 जिला में आया है, और हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री से 10 करोड़ रुपया घोषित करें और राष्ट्रीय आपदा घोषित करें, और माल जाल का जो क्षति हुआ है, जो आदमी का क्षति हुआ है वो उसका मुआवजा मिले, और खाने पीने का रहने का व्यवस्था करे भारत सरकार। भारत सरकार से मांग चल रहा है, राहत बचाव कार्यक्रम वो सब कहीं नहीं है, जुमलाबाजी है उस सब, बाकी भारत सरकार से हम इतना बात मांग करते हैं। मैडम 10 करोड़ एक आदमी को 10 करोड़ रुपया आपका घोषित करे भारत सरकार, और रहने का व्यवस्था करे, और खाने पीने का इंतजाम करें, जो गरीब जो मर रहा है पानी में, जो पानी में डूब के मरा है उसका भी मुआवजा देने का काम करें भारत सरकार। भारत सरकार कम नहीं हो जाएगा, भारत सरकार लोगों को जुमलाबाजी दिखा कर दोबारा सरकार में, नहीं तो काम करना पड़ेगा। 10,000 बिहार की जनता मांग करेगी। मैडम 10,000 करोड़ के मांग, 10,000 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ की नहीं, 10 करोड़ के हर जिले का 10 करोड़ आपदा घोषित करे, राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। तो ये राबड़ी देवी थी, इन्होंने ये बात कही है कि जिस तरह से बाढ़ जो है हर साल बिहार को प्रभावित करती है, उसको लेकर इस वर्ष की जो बाढ़ है उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मांग की है कि बिहार के जितने जिले बाढ़ से प्रभावित हैं उन जिलों को 10 करोड़ की मदद दी जाए। वहीं जब मदन मोहन झा से हमने बात की है तो उन्होंने क्या कहा है बाढ़ पर, आप वो भी सुने। आए हैं वहाँ पूरे बाढ़ पीड़ितों के साथ बिता करके आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान है कि सभी जगह नाव उपलब्ध है, सभी जगह सेंटर चल रहा है, मैं व्यक्तिगत रूप से देख करके आया हूँ कि कहीं भी नाव का व्यवस्था नहीं है, कहीं भी सेंटर नहीं चल रहा है, एक आध जगह छोड़ के जो कहीं भी नहीं है। इन्होंने कहा है जो मैंने निर्देश जारी किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को यह देखना चाहिए कि इनके निर्देश का पालन हुआ है कि नहीं, क्योंकि निर्देश जारी करने से तो ज़मीन पर नहीं चला जाता है। आजकल फिर देख रहे हैं जो नए जगह में पानी का रिझाव बढ़ रहा है, एक जगह कम हो रहा है दूसरे जगह बढ़ रहा है, वहाँ भी सड़क टूट रहा है, जो आ गया वो तो आ गया, जो नए जगह पर जाए अगर वहाँ प्रिकॉशन लिया जाता तो बचा जा सकता था, लेकिन उसके लिए कोई प्रिकॉशन नहीं लिया गया है, और लोग दर्जनों लोग वहाँ मर चुके हैं, लेकिन 3-4 आदमी का उन्होंने पदाधिकारी ने 4 आदमी का कंफर्म किया, जिस एरिया में हम गए थे 4 आदमी का डेथ हुआ, लेकिन हम समझते हैं जो यहाँ जितना बयान हुआ सब धोखा है। सरजमीन पर आप लोग भी देखिए जाके, और आपका भी जो रिपोर्टर है क्षेत्र में उनसे भी जानकारी लीजिए, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो ये थे मदन मोहन झा, इन्होंने ये बात कही है कि इन्होंने 2 दिन तक बिहार में जो जिले बाढ़ से प्रभावित हैं उनका दौरा किया है, और ये बात इन्होंने अपनी आंखों से देखी है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ये दावे कर रहे थे कि बाढ़ को लेकर स्थिति जो है वो कंट्रोल में है, जो बाढ़ पीड़ित हैं उन्हें सारी सुविधाएँ दी जा रही हैं, नाव से लेकर पीने के पानी से लेकर खाना तक, ये सारी चीज़ें सिर्फ सदन तक ही हैं। मदन मोहन झा ने ये बात कही है कि नीतीश कुमार ने सदन में जो भी बातें कही थी वो सारी बातें उस स्थल पर बाढ़ प्रभावित जो जगह हैं वहाँ पर ये कारगर साबित नहीं होती हैं चीज़ें, और वहाँ का जो नज़ारा था वो उसके उपरांत नहीं था, उसके जैसा नहीं था जैसा नीतीश कुमार ने कहा था। इस तरह से मदन मोहन झा ने भी ये बात कही है कि नीतीश कुमार जो हैं वो बाढ़ की स्थिति से निपटने में कहीं ना कहीं नाकाम हो रहे हैं। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज़ के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए लाइव सिटीज़ .in पर ज़रूर जाएँ। अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं सुजीत सागर, लाइव सिटीज़ पटना।